देख रहे हैं प्राइम स्टोरी। सिद्धार्थनगर जिले के बांसे पावर हाउस पर संविदा बिजली कर्मचारियों ने तालाबंदी कर दी। बिजली कर्मचारियों का आरोप है कि पिछले 14 माह से उनका मानदेय विभाग नहीं दे रहा है। संविदा कर्मियों ने पावर हाउस पर तालाबंदी के बाद कार्यालय पर धरने पर बैठ गए और अपने मानदेय के भुगतान की जल्द मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि पिछले 14 माह से उनका मानदेय नहीं दिया जा रहा है, जिससे उनके परिवार के सामने रोटी के संकट उत्पन्न हो गए हैं। हम लोगों को 14 माह से वेतन नहीं मिला, आज तक अधिकारी हमारे खाली कोरा आश्वासन देते ही आए हैं। अब आश्वासन के नाम पर तो हम जिंदा रह नहीं पाएंगे। किसी अधिकारी से अगर पूछा जाए कि एक महीने का वेतन नहीं मिलता है तो उसके बच्चे मरने लगते हैं, हमारे बच्चे किस तरह जीते हैं ये उनको एहसास नहीं। कल भी मैं यहाँ बैठा, कोई भी अधिकारी हमारा हमसे बात करने नहीं आया कि आप लोग यहाँ बैठे क्यों। आज मेरी मजबूरी है कि मैंने कार्यालय में ताला मारा है और पावर हाउस की सप्लाई बंद कर दी। अब पब्लिक इनसे पूछेगी सप्लाई क्यों नहीं, उस क्यों का जवाब दिए देंगे। अगर आपके क्यों का जवाब नहीं मिलता है तो अग्रिम आप क्या करेंगे, तो फिर हमारा यहाँ ताला की सप्लाई। देख रहे हैं प्राइम स्टोरी।